हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 3 लाए हैं, जिसमें हम आपसे लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे और बॉन हेबर साइकिल भी डिस्कस करेंगे। तो लैटिस एनर्जी और बॉन हेबर साइकिल हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को ध्यान से देखें, समझ में आएगा। हम ये भी आपको बताएंगे कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर आपसे कंपेयर करने को कहता है कि लैटिस एनर्जी को कंपेयर करो, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं भैया लैटिस एनर्जी से। मेरा नाम है अलख पांडे, आप देख रहे हैं फिजिक्स वाला चैनल और टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो भाई साहब, लैटिस एनर्जी होती क्या है? तो फिर से मैं आपको बता दूं, जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो NaCl बना, और वो बनता है किससे? Na+ और Cl- से। Na+ हमें मिला गैसियस फॉर्म में, Cl- मिला गैसियस फॉर्म में, दोनों मिलकर बने NaCl सॉलिड फॉर्म में। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो स्टेबल हो जाते हैं। Na+ गैसियस फॉर्म में, Cl- गैसियस फॉर्म में इतना स्टेबल नहीं है, तभी तो कंबाइन किया, और कंबाइन करके ये हो गए स्टेबल बच्चों। तो कोई भी सिस्टम बच्चों जब स्टेबल हो जाता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी मिनिमम हो, मतलब यहां से यहां आते वक्त सिस्टम ने अपनी एनर्जी लूज की होगी। जब एनर्जी कम होती है, तभी सिस्टम स्टेबल होता है। मिनिमम एनर्जी में ही कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है, मतलब यहां से यहां में कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जो एनर्जी बच्चों इस प्रोसेस में रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी या LE बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब आयनिक कंपाउंड का एक मोल बने, फ्रॉम गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन। गैशियस कैटायन और एनायन मिलके जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो सिस्टम स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस बन रहा है मतलब 3D सॉलिड बन रहा है। इसको उल्टे तरह से भी देख सकते हो कि अगर हम एक मोल NaCl को तोड़े, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? भाई जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वापस उतनी ही एनर्जी दोगे, तो ये टूट कर सिस्टम वापस जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में जितनी एनर्जी निकली है, बैकवर्ड रिएक्शन में उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन। गैशियस आयन से रिलेट करना जरूरी है। एक मोल आयनिक कंपाउंड जब अपने गैशियस आयन से बने, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हो, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर हो गया? अब लैटिस एनर्जी सर निकालें कैसे, कैसे इसकी वैल्यू मिलेगी, क्या फॉर्मूला है इसका? तो बच्चों ये बात ये है कि लैटिस एनर्जी, ध्यान से सुने प्यारे बच्चों, लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, मतलब कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई सीधा साधा मेथड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है, बोर्ड और दिखाई पड़ रहा है, मैं सही लग रहा हूँ? आप खुश हैं, बढ़िया है, मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं, हैं? अच्छा, अब तो स्कूल खुल गए होंगे, है ना, गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो गई, हालत ख़राब, स्कूल कोचिंग वीडियो पढ़ाई दोस्त यार दुनिया, है ना। तो प्रेशर कम लेने का है और काम ज़्यादा करने का, ठीक है, प्रेशर कम लो, काम ज़्यादा करो, ठीक है, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पेशेंस रखो, बहुत बड़ा सिलेबस है, पेशेंटली चलना है, साल भर दो साल जो भी है, पेशेंटली, ठीक है। पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे, ठीक है, पेशेंट बन जाओगे, ना बोलने मज़ा आता है पेशेंट, ठीक है। तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है लैटिस एनर्जी का, इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है इनडायरेक्ट मेथड? सीधा सीधा इस एनर्जी को निकालने कोई तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, और उसी को हम बोलते हैं बॉन हेबर साइकिल, BHC भी आप बोल सकते हो, बॉन हेबर साइकिल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन हेबर साइकिल का जैसे एग्जाम में आ गया कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चार ऑप्शन है, तो आप बोलना लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम बॉन हेबर साइकिल का यूज करते हैं। जैसे किताब में बॉन हेबर साइकिल आपने पढ़ ली, आपको पता ही नहीं इसका इस्तेमाल क्या था, इस्तेमाल था लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करना। वैसे तो
बहुत सी कैलकुलेशन करोगे, जब बॉन हेबर के न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ भी निकाल लोगे, पर बेसिकली बॉन हेबर किस लिए बना है? लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए। तो आइए समझते हैं बॉन हेबर साइकिल और कैसे लैटिस एनर्जी निकालें। तो बच्चों बॉन हेबर साइकिल में क्या होगा ना, बहुत ढेर सारे एनर्जी के टर्म आ जाएंगे, और उन एनर्जी के टर्म को अगर आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हो तो पीरियोडिक टेबल के वीडियोस देखो, जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंडिविजुअल वीडियो है, सबके अपने अपने वीडियोस हैं। जैसे पिछले वीडियोस में बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आया एनर्जी का टर्म, तो आप पीरियोडिक टेबल के वो वीडियोस देखो जिसमें मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पूरा समझाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझाया। तो बॉन हेबर साइकिल में बहुत से एनर्जी के टर्म आने वाले हैं। मैं आपसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, एक एनर्जी का टर्म है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको कई लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, एंथैल्पी भी हीट है, डिनोट करते हैं डेल्टा एच हीट का सिंबल और यहां लगा दिया एफ, एफ मतलब फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड is formed from its elements in pure and stable state। देखो lattice energy से difference है heat of formation। ये बोल रहा है amount of heat released when one mole of a compound is formed from इट्स एलिमेंट्स इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। लैटिस एनर्जी में किससे बन रहा था? गैसियस आयन से। ये किससे बोल रहे हैं? एलिमेंट से, जो उसका एलिमेंटल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, जिस तरह से वो मिलता है प्योर स्टेट में, वहां से कंपाउंड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कहोगे। ये एक बड़ा टर्म है। जैसे हम फिर से आपसे NaCl का ही एग्जाम्पल लें, NaCl सॉलिड, अब किससे बनाना है? एलिमेंट से इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। सोडियम हमको कैसे मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, सोडियम का मेटल मिलता है सॉलिड फॉर्म में, Na ले लिया प्लस। क्लोरीन हमको कैसे मिलता है? गैसियस स्टेट में, तो हमने Cl2 गैस ले ली और इनको इस रिएक्शन में लिख दिया। इस रिएक्शन की जो हीट है उसको आप बोलोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये लैटिस एनर्जी वाली इक्वेशन नहीं है। लैटिस एनर्जी में किससे बनाना होता था हमको? आयन से, गैसियस आयन से। यहां प्योर एंड स्टेबल स्टेट, सोडियम का प्योर स्टेबल स्टेट सॉलिड स्टेट होता है। क्लोरीन हमको कैसे मिलता है? गैसियस में। इसको बैलेंस करना है, यहां पे हाफ लिख दिया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे, लैटिस एनर्जी नहीं बोलोगे। डिफरेंस समझ में आ गया लैटिस एनर्जी और इसमें? बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, ठीक है? इनका आपस में क्या रिश्ता है, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा गंगा के साथ, है ना? चलिए देखते हैं। तो मैं फिर से एक बार ये इक्वेशन लिखता हूँ, मैं NaCl फॉर्म करूँगा फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल स्टेट। तो सोडियम मिलेगा सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन मिलेगा मुझे गैसेस स्टेट में, यहाँ लिख लूँगा हाफ। और ये इस रिएक्शन की जो हीट है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होती है यहाँ। आइए अब स्टेप बाय स्टेप NaCl बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले Na से Na प्लस तक जाना होगा, और Na से Na प्लस में जाना आसान नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी कब डिफाइन हुआ था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। तो पहले इसको गैसियस स्टेट में ले जाओ। तो पहले हमें Na से बनाना होगा Na गैसियस। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बनेगा Na प्लस। क्या समझ में आ रही है बात मेरी? गैसियस स्टेट में सीधा Na से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं। हम इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं? फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो पहले इसको गैसियस में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला। गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से गैस बनाने वाली एनर्जी, सॉलिड से गैस बनाने वाली एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आप इसको एक एनर्जी दोगे, कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी। इसको हीट करोगे, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज करोगे, सब्लिमेशन एनर्जी। ये आपको देनी पड़ेगी, मतलब ये प्लस होगी, जाएगी अंदर एनर्जी। फिर Na गैसियस से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी होती है? IE
मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी आपको देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ये भी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से और क्लोरीन पे आते हैं, अब आपको Cl- आयन चाहिए, तो अपने हाफ Cl2 को, अच्छा ये तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो इसको सब्लिमेशन तो करना नहीं, पर आपको Cl2 नहीं चाहिए, आपको Cl चाहिए गैसियस फॉर्म में, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, Cl2 को तोड़ना पड़ेगा Cl Cl में, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा बॉन्ड, Cl Cl के बीच का, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप सिंपल बोल दो डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, Cl Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो Cl गैसेस मिल जाएगा। पर भाई यहां एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहां तो हाफ मॉलिक्यूल है, तो यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी का भी हाफ लगेगा, पूरी डिसोसिएशन एनर्जी का भी यूज नहीं। भाई डिसोसिएशन एनर्जी डिफाइंड होती है एक मोल के लिए, यहां एक मोल तो है नहीं, हाफ मोल, तो इसका हाफ दे दिया, इससे Cl गैसेस फॉर्म में मिल गया, ये आपको देनी पड़ेगी, तो ये भी प्लस में होगी। फिर Cl गैसेस को आपने एक इलेक्ट्रॉन देकर बनाया Cl माइनस, ये कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पर इस बार एनर्जी रिलीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो यहां पे एनर्जी रिलीज हुई, मतलब ये वाली एनर्जी नेगेटिव होगी, बाकी सारी तो पॉजिटिव। अब देखो Na प्लस गैसेस स्टेट में, Cl माइनस गैसेस स्टेट में, अब ये दोनों कंबाइन करके बना लेंगे NaCl, और गैसियस स्टेट में जब ये कंबाइन करके NaCl बनाएंगे, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी, लास्ट स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगी, वही होगी लैटिस एनर्जी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी का। हीट ऑफ फॉर्मेशन प्योर स्टेट यानी Na सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसेस स्टेट में, स्टेबल फॉर्म यानी Cl2 फॉर्म में, उस रिएक्शन की जो हीट है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन। और लैटिस एनर्जी गैसियस आयंस जब कंबाइन करके एक मोल कंपाउंड बनाए तो जो एनर्जी निकले वो लैटिस एनर्जी। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे कैसे आप पहुंचोगे यहां तक। पहले Na को आपने सब्लिमेशन किया, एनर्जी दी, गैसियस बना, फिर और एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल आया, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन को तोड़ा पहले तो डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ मॉलिक्यूल है तो आपने हाफ एनर्जी दी। फिर क्लोरीन गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो अपने आप निकलता है एनर्जी रिलीज करके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी नेगेटिव में निकल रही है बाहर, जो बाहर निकल रही है वो माइनस में। लास्ट स्टेप में Na और Cl कंबाइन किए, कंबाइन करके NaCl बनाए तो एनर्जी और बाहर निकली, यानी लैटिस एनर्जी भी कैसी होगी, नेगेटिव रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उनको माइनस लिया, जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको प्लस लिया। अच्छा, यानी इस रिएक्शन को एक तरीका तो है, यहां से सीधा सीधा देख लो तब कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, डेल्टा एच एफ, और एक तरीका है ये सारे स्टेप से देखो तब कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है ये सारी। अब हमारे पास एक लॉ होता है हेस लॉ, जिसके बारे में यहां बॉन हेबर में कोई आपसे बात भी नहीं करता, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है या थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ समझ लो आप, हीट का लॉ है, कि एक रिएक्शन यदि एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, अगर मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो सभी स्टेप की हीट को अगर जोड़ेंगे तो उतनी ही हीट आएगी जितनी सिंगल स्टेप से आ रही। मतलब आप चाहे सीधा सीधा चलो चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलो, टोटल हीट हर तरफ से बराबर होगी। सीधे सीधे में हीट मिली डेल्टा एच एफ, यानी डेल्टा एच एफ जो की है दैट मस्ट बी इक्वल टू इस रास्ते की हीट। इस रास्ते में सब्लिमेशन एनर्जी दी, चलो ठीक है ले लिया, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी दी, चलो इसको भी ले लिया, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, उसको भी ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लैटिस एनर्जी रिलीज हुई, माइनस लैटिस एनर्जी। ये इक्वेशन हमारे पास बन के सामने आएगी, चाहे ये रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, हीट का सम दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन हो गई, एग्जाम में क्या करेगा, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा, सब्लिमेशन एनर्जी दे देगा, आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा, डिसोसिएशन एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे देगा, और आपसे पूछेगा लैटिस एनर्जी निकालो, तो आप लैटिस एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमाएगा तो आपसे ये करेगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पर ग्राम दे देगा, तो पर ग्राम को आप पर मोल में चेंज कर लेना भाई,
है ना, मोलर मास आपको पता होगा एक ग्राम की इतनी लैटिस एनर्जी, तो मोलर मास की कितनी लैटिस, अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लो। हो सकता हो इसको आपको किलो जूल पर मोल में दे, हो सकता हो इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे, तो कन्वर्ट करना होगा, बस यही होगा। गायब लैटिस एनर्जी करता है, कई बार किताब में क्या करता है लैटिस एनर्जी दे देता है और इसमें से कोई और टर्म गायब कर देता है। क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, ओरिजिनली तो इक्वेशन यूज की गई थी लैटिस एनर्जी के लिए, पर किताब में क्वेश्चन बनाने के लिए कई बार एक टर्म गायब करके बाकी टर्म दे देता है। आपको यह समझना है कि एक स्टेप की हीट और सारे स्टेप की हीट का सम क्या आना है, सेम आना है। चलिए मैं आपको इस पर एक अच्छे लेवल का सवाल करा देता हूं, जिसमें दो बार इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े और दो बार इलेक्ट्रॉन देने पड़े। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां मैं लिख लूंगा MgO सॉलिड। अब ये किससे किससे बनेगा, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम प्योर स्टेट में कैसे मिलता है, सॉलिड। और किससे बनेगा, ऑक्सीजन से, O2 प्योर एंड स्टेबल स्टेट गैसियस, यहां लिख लेता हूं हाफ MgO। इस स्टेप में जो हीट रिलीज होगी इसको हम बोलेंगे डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। आइए अब स्टेप बाय स्टेप किया जाए। Mg मैग्नीशियम सॉलिड से पहले क्या बनाओगे, मैग्नीशियम गैसियस। कौन सी एनर्जी लगेगी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बन गया, Mg प्लस गैसियस स्टेट में। कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। पर यार MgO तो तब बनता है जब Mg के ऊपर प्लस टू चार्ज हो, O के ऊपर टू माइनस चार्ज हो, मतलब इसमें से अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तब बनेगा Mg2 प्लस गैसियस, यानी ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली। इसीलिए मैं कह रहा था आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देख लो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा, क्योंकि Mg2 प्लस तक जाना है। अच्छा कई बार एग्जाम में क्या करेगा, आपसे बोल देगा कि जैसे मान लो MgO है, आपसे बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो आप समझ जाना दोनों को मिलाकर दिया है। हाँ अगर आपसे बोलता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, सेकंड इतनी है, तो भी ठीक है जोड़ लेना। अगर सीधा बोल देता है आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो समझ जाना दोनों का सम दे रहा है, ये भी होगी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि देनी पड़ती है। यहां तक आ गए, आइए इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, ओ बनाना पड़ेगा गैस स्टेट में, क्या लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई टू, क्योंकि हाफ मोल है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ओ माइनस बनेगा, ये कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती है, निकलती है, रिलीज होती है, तो कैसी होगी, माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देना पड़ेगा तो ओ टू माइनस गैस स्टेट में, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ दो मिलेंगे। फिर कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कौन सी, दूसरी वाली, ये पहली वाली, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब दिमाग लगाओ कि ये दोनों नेगेटिव होंगी या दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस होगी, याद करके बोलना। मैंने आपको बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन तो एटम एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी और एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए नेगेटिव होता है, चलो ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी हमारी, प्लस स्टेट में। ये एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पहला तो प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें तो सोचो ही मत, इसमें तो दोनों बार दे ही रहे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना टफ था, अब प्लस चार्ज है, दूसरा निकालना और टफ है, तो और एनर्जी दी हमने। पर यहां पे पहले में तो उसने एनर्जी रिलीज की, खुश हुआ इलेक्ट्रॉन पाकर, दूसरा वो लेना नहीं चाहता था तो एनर्जी देनी पड़ी। अब यहां से गैसियस स्टेट में Mg2 प्लस O2 माइनस, गैसियस कैटायन गैसियस एनायन कंबाइन करके बनाएंगे MgO, जो एनर्जी बाहर निकलेगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी, माइनस लिखा क्योंकि ये भी रिलीज होगी। अब आप यहां इक्वेशन लिख सकते हो डेल्टा एच एफ एक स्टेप में और सारे स्टेप में देखें तो हम सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 माइनस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये बन गई हमारी इक्वेशन, बढ़िया मस्त। अब इसमें से कुछ टर्म गायब होंगे, कुछ टर्म दिए होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली लैटिस एनर्जी निकालनी होती है।
हो सकता हो दोनों आयनाइजेशन एनर्जी एक बार में दे दे कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो समझ जाओ दोनों स्टेप की एक बार में दे दिया है, तो जोड़ के लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अलग अलग देता है जानबूझ के कि आप कब प्लस लोगे कब माइनस, इसमें से एक टर्म गायब होगा बाकी दे देगा। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, कि एक स्टेप में करो रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप में करो, इस साइकिल के थ्रू लैटिस एनर्जी निकालते हैं। समझ में आ गया होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वो फैक्टर्स जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, यानी हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, किन किन कारणों पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। समझने के लिए थोड़ी लैटिस एनर्जी की बेसिक फिर से समझनी पड़ेगी। Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस कंबाइंस टू फॉर्म NaCl, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जब गैसियस कैटायन एनायन से ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से इन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। के एक कॉन्स्टेंट है, क्यू वन इसके ऊपर चार्ज, क्यू टू इसके ऊपर चार्ज, आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां पे Na प्लस और Cl माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ये फोर्स ही इन दोनों को चिपका रही है, जितना ये चिपकेंगे उतनी लैटिस एनर्जी निकलेगी, मतलब जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो पहला कंक्लूजन तो हमें ये मिला कि हमें ये देखनी है कि अगर आयंस के बीच में फोर्स ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही, कॉन्स्टेंट को छोड़ दो, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रही, कैटायन के चार्ज पे भी और एनायन के चार्ज पे भी, और एक आर मतलब इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही। यानी दो फैक्टर हमें देखने हैं कि जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो चार्जेस के साथ बढ़ेगी क्योंकि फोर्स भी बढ़ेगी, यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव। कैटायन पे चार्ज ज्यादा तो भी लैटिस एनर्जी ज्यादा, एनायन पे चार्ज ज्यादा तो भी लैटिस एनर्जी ज्यादा क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को कैसे समझें, डिस्टेंस को आप ऐसे समझो साइज ऑफ आयंस से। भाई साइज ऑफ आयंस जितना बड़ा होगा, आयन का साइज जितना बड़ा हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा होने लगेगा। साइज ऑफ आयंस जितना बड़ा बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा, भाई जितने बड़े बड़े आयंस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा बच्चों फोर्स उतनी कम हो जाएगी, दिख रहा है, फोर्स जितनी कम हो गई लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो फिर से लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी हमारी, एक तो चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, दूसरा साइज जितनी बड़ी लैटिस एनर्जी उतनी कम। जितनी बड़ी साइज होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा होने लगेगा आयंस के बीच का, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो साइज जितनी बड़ी लैटिस एनर्जी उतनी छोटी, चार्ज जितना बड़ा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो दो फैक्टर हैं चार्ज एंड साइज, चार्ज एंड साइज कंक्लूसिव फैक्टर्स हैं, इनके सिवा और कोई फैक्टर देखना भी नहीं पड़ेगा आपको, चार्ज एंड साइज। फिर से यहां लिख दे रहा हूं, फजांस रूल से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, वहां अलग कहानी है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, दो फैक्टर लेके चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, Na, Fe, Mg, Fe, Al, Fe3, Na, Mg, Fe2। हमसे कहा इन तीनों में सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है, तीनों आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। अच्छा आयन तो तीनों का सेम है, एनायन तो तीनों का सेम है, एफ एफ एफ। अब चार्ज फैक्टर देखें कि साइज फैक्टर देखें, क्योंकि कैटायन तीनों का डिफरेंस है। तो अगर याद हो तो Na, Mg, Al तीनों ही थर्ड पीरियड से आते हैं, नेबर हैं,
तो साइज का बहुत डिफरेंस नहीं होगा। देखो पीरियड में साइज बहुत धीमे धीमे कम होती है, ग्रुप में नीचे जाओगे तो बहुत तेज बढ़ेगी, ग्रुप में जैसे ही नीचे आते हैं तो शेल बढ़ती है, साइज बढ़ जाती है, पीरियड में बहुत धीमे धीमे कम होती है। वैसे भी ये नेबर है एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, तो बहुत धीमे धीमे साइज कम हो रही है, मतलब साइज वाला फैक्टर तो यहाँ हमें कंसिडर ही नहीं करना है। इस केस में हमें साइज नहीं देखनी क्योंकि एक ही पीरियड के बगल बगल के एटम है, यानी अब चार्ज देखना है। तो यहाँ Na के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, Mg के ऊपर 2+, Al के ऊपर 3+। चार्ज जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा ये ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, Na2O, MgO, Al2O3, एनायन तीनों का फिर से सेम, साइज नहीं देखोगे क्योंकि एलिमेंट पास पास हैं, चार्ज देखोगे Na पे +1 होता है, Mg पे 2+ हो रहा है, Al पे 3+ हो रहा है, बात साफ है, इसका चार्ज ज़्यादा है, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से बताना, Li2O, Li3N, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड। इस बार मेटल दोनों का सेम है, कैटायन दोनों का सेम है, छोड़ दो। एनायन की बात करें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन है, दोनों ही नेबर हैं, दोनों ही पीरियड टू से आते हैं, जस्ट बगल बगल के एटम हैं, तो साइज का डिफरेंस फिर से नहीं देखना है, मतलब साइज को कंसिडर तो नहीं करना है। ऑक्सीजन पे चार्ज 2-, नाइट्रोजन पे चार्ज 3-, चार्ज जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा खत्म। फिर से बोल रहा हूँ, फजान्स रूल से कंपेयर नहीं करना, वहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग है। चलो एक और एग्जांपल लास्ट ले लेता हूँ और आज का लेक्चर उसी पे हम खत्म करेंगे। अच्छा पहले एक सिंपल सा ले लेते हैं, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने, अरे रे 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 NaCl, KCl। अब आपको बताना है इसमें से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, एनायन दोनों का सेम, कैटायन अलग है तो Na और K, इस पर चार्ज +1, इस पर चार्ज +1, तो चार्ज से नहीं देख सकते। अब साइज की बात आई, पोटेशियम का साइज सोडियम से बड़ा होता है, ग्रुप में नीचे होता है, साइज जिसका बड़ा लैटिस एनर्जी उसकी कम, यानी इसकी लैटिस एनर्जी कम इसकी ज़्यादा, सो NaCl हैज मोर लैटिस एनर्जी देन KCl। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, दो लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट में तो एक अच्छा देना है, जैसे मैं आपसे ले लूँ NaF, NaCl, NaBr, कंपेयर करिए, तीनों में कैटायन सेम, एनायन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, चार्ज -1, -1, -1, चार्ज सेम, चार्ज का फैक्टर खत्म। साइज की बात करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नीचे आते वक्त साइज बढ़ेगा, ब्रोमीन का साइज सबसे ज़्यादा, लैटिस एनर्जी सबसे कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको अपना लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने वीडियो सही से देखा हो तो करें, NaF और MgCl2, चलो अब इसका आंसर खुद से बताओ दोनों फैक्टर सोच के। चलो भाई वीडियो पॉज करो, पॉज करने का है वीडियो, आंसर निकालने का है रे बच्चों। चलो आओ पहले कैटायन को देखें, Na और Mg, डिफरेंस चार्ज का है, Na+, Mg2+, साइज का डिफरेंस नहीं है, सेम पीरियड के नेबर हैं, चार्ज फैक्टर से Mg+ जीत रहा है, मतलब MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि Mg पे चार्ज 2+ है। आए एनायन को चेक करते हैं, एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन पे चार्ज -1, -1, चार्ज सेम। साइज की बात करें तो क्लोरीन बड़ा है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, मतलब फ्लोरीन जीत गया, मतलब इसका साइज छोटा है, फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, और अगर फ्लोरीन स्मॉलर इन साइज है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो भैया कैटायन तो बोल रहा है कि Mg2+ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ चार्ज फैक्टर, एनायन बोल रहा है कि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ साइज फैक्टर, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है। जब चार्ज और साइज फैक्टर आपस में फाइट करने लगे तो ध्यान से सुने कि चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। जब दोनों डोमिनेट करने की कंडीशन में आ जाएं, लड़ने की कंडीशन में आ जाएं, देन चार्ज विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर, तब चार्ज को आप देखेंगे साइज को भूल जाएंगे। क्यों? चलो किताब में लिखा है पर क्यों,
भैया साइज का डिफरेंस तुम्हारा मान लो ये, मान लो 80 पिकोमीटर, तो ये तुम्हारा होगा 120 पिकोमीटर, ठीक है, 130 पिकोमीटर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चार्ज यहां पे प्लस वन, ये प्लस टू, डबल हो गया, चार्ज का फैक्टर सीधा सीधा डबल हो रहा, साइज का फैक्टर डबल नहीं होता जस्ट नीचे में। तो जब भी चार्ज और साइज फाइट करने लगे हैं तो आप चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानोगे, मतलब इन दोनों में अब साइज देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चार्ज अलग है, चार्ज की वजह से ये जीत जाएगा, साइज की वजह से ये जीतता, इसका साइज छोटा था, बट इसको देखना नहीं है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा। कई लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर जो आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था वो था के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वेयर, और साइज का तो स्क्वेयर हो रहा है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला है, एनर्जी और फोर्स डिफरेंट चीज होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में इतने कमेंट आए हैं ये वाले कि सर आपने आर स्क्वायर लिखा है, एनर्जी में आपने आर लिख दिया, सर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया वहां पे आर स्क्वायर, नहीं गलत थोड़ी ना लिखा, फोर्स अलग टर्म है, एनर्जी अलग टर्म है। अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर, ये फोर्स है जो आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पर अगर चार्ज और साइज लड़ रहे हो तो चार्ज डोमिनेट करता है क्योंकि चार्ज जस्ट डबल या ट्रिपल हो रहा है, साइज इतना डिफरेंस नहीं कर रहा। तो ये लैटिस एनर्जी का सारा वीडियो था। अभी आयनिक बॉन्ड के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, एक है फजांस रूल और एक है लुइस डॉट स्ट्रक्चर का डिटेल वीडियो कि कैसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं बड़े बड़े आयन्स का, नाइट्रेट आयन का, कार्बोनेट आयन का, सल्फेट आयन का, बड़े बड़े आयन्स का, छोटे मोटे कंपाउंड का, MgCl2 का, वो सब तो आप बना लेते हो, NaCl का, MgO का, वो सब तो आपने बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaCl, उनका तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में एकदम जनरली डिस्कस किया। अभी बढ़िया बढ़िया आयन्स का, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, ये डिस्कस करना है। तो ये दो वीडियो बचे हुए हैं हमारे, एक फजांस रूल और एक लुइस डॉट स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड के अंदर, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएंगे और तब थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजिक्स के वीडियोस भी आते रहेंगे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।